सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निश्चल स्ट्रोक। मेरे ख्याल से पूरे साल के AEW डायनामाइट का सबसे अच्छा मेन इवेंट हमें आज देखने को मिल रहा है TNT चैंपियनशिप के लिए एडम कॉपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केस के बीच में। तो इसी मैच के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सेलेब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइज, आज के AEW डायनामाइट के एपिसोड में दोनों फॉर्मर फ्रेंड यानी कि क्रिश्चियन केस एंड एडम कॉपलैंड आपस में ही भिड़ रहे हैं TNT चैंपियनशिप के लिए। जो भी इस वाले मैच को जीतेगा वो TNT के चैंपियन बनेगा। ज्यादा चांसेस हैं कि एडम कॉपलैंड ही हमारे न्यू TNT चैंपियन बनेंगे। फॉर द TNT चैंपियनशिप एडम कॉपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केस का मैच हो रहा है। और गाइज, वहीं पे प्रिडिक्शन की बात कर ली जाए तो इस वाले मैच में पॉसिबिलिटी काफी कम है कि क्रिश्चियन केस TNT चैंपियनशिप को हारेंगे। हो सकता है गाइज कि एडम कॉपलैंड इस वाले मैच को हार जाएं और क्रिश्चियन केस अपना TNT चैंपियनशिप को रिटेन कर लें। देखते हैं गाइज कि आज के डायनामाइट के एपिसोड में इस वाले मैच का क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए गाइज, आज के AEW डायनामाइट के एपिसोड का मेन इवेंट काफी ब्लॉकबस्टर है, काफी अच्छा हमें मैच अभी देखने को मिल रहा है। अगर कहीं से भी हमें क्रिश्चियन केस के फैक्शन के मेंबर का अगर इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है तो काफी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि जो हमारे एडम कॉपलैंड है वो न्यू TNT चैंपियन बन सकते हैं। तो देखते हैं गाइज कि इस वाले मैच का हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या इस वाले मैच में टाइटल चेंज होने के चांसेस हैं या नहीं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।